तो आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में, जिसमें आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे उसी सीरीज को जिसमें हम सीरीज में बना रहे हैं फर्स्ट सेम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के टॉपिक्स को हम जो कवर कर रहे हैं बेसिकली, जिसमें हम आज बात करेंगे फार्माकोपिया के बारे में। और बिल्कुल आज मैं बिल्कुल आपको सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा कि फार्माकोपिया होती क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और एक चीज़ और कि इसको फर्स्ट सेम के सिलेबस में क्यों रखा गया है। तो फार्माकोपिया बेसिकली एग्जाम्पल से हम लेते हैं कि फार्माकोपिया जो होती है बेसिकली वो क्या होती है। तो फार्माकोपिया के लिए मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। जैसे कि अगर आप देखें तो दुनिया में अलग अलग देश हैं और सबके जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो भी अलग अलग है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो थोड़ी सी कह सकते हैं कि थोड़ी ड्राई है या ट्रॉपिकल कंडीशन है। यहाँ जो हमारा देश है वो समुद्र से घिरा हुआ है। उसके अलावा अगर आप रशिया की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है, बहुत ज़्यादा कूल होती है, माइनस डिग्री पर टेम्परेचर चला जाता है। वहीं अगर आप अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, बहुत मतलब 50-50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सभी जगह पे कंडीशंस अलग अलग है ना, सभी की इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो अलग अलग है। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो सबका जो खाना होता है वो भी अलग अलग होता है। कहीं पे कुछ अलग खाना खाते हैं लोग, कुछ अलग, मतलब कंट्री वाइज भी जो हमारा फूड है वो भी चेंज होता है। उसी तरीके से हमारी जो ड्रग्स होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। इसी वजह से हर कंट्री अपने हिसाब से जो है वो ड्रग को फॉर्मुलेट करती है कि वो ड्रग जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया ये रीजन के हिसाब से स्टेबल बनी रहे। तो उन्होंने अपने कंट्री के हिसाब से जो ड्रग फॉर्मुलेट करी जो उनकी कंट्री के लिए बेस्ट हो सकती है, वहाँ पर स्टेबल हो सकती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अफेक्टिव हो सकती है, तो उन ड्रग्स को उन्होंने एक बुक के अंदर लिखा जिसे नाम दिया गया फार्माकोपिया। तो अमेरिका ने जो अपनी बुक बनाई फार्माकोपिया, इट इज़ कॉल्ड US फार्माकोपिया। ब्रिटेन ने जो फार्माकोपिया बनाई उसे ब्रिटिश फार्माकोपिया कहते हैं। उसके अलावा इंडिया ने जो फार्माकोपिया बनाई उसे इंडियन फार्माकोपिया कहते हैं। यूरोप में फार्माकोपिया यूज़ होती है, इट इज़ कॉल्ड यूरोपियन फार्माकोपिया। जापान ने अपने लिए जो ड्रग्स डेवलप करी और अपनी बुक्स में लिखा उसे जैपनीज फार्माकोपिया कहा गया। रशिया ने जो अपनी बुक्स प्रिफर करी उसे USSR फार्माकोपिया कहा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कि इंडियन फार्माकोपिया कब स्टार्ट हुई और कब इसका स्टार्ट हुआ। तो इंडियन फार्माकोपिया की जो सोच थी पहले वो स्टार्ट हुई थी 1944, मतलब 1944 से, जिसमें जो फर्स्ट इसके अध्यक्ष थे या चेयरपर्सन थे वो थे कर्नल RN चोपड़ा, जिन्होंने फर्स्ट स्टार्टिंग करी इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। इंडियन फार्माकोपियल कमीशन जो एक इंडियन या कह सकते हैं भारत के जो स्वास्थ्य विभाग होता है उसके अंतर्गत काम करता है, हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर ये काम करता है इंडियन फार्माकोपियल कमीशन। इसकी शुरुआत हुई ठीक एक साल बाद, मतलब 1945 में। 1945 में फर्स्ट आप कह सकते हैं कि इंडियन फार्माकोपियल एसोसिएशन जो हुआ वो अपने चालू हुआ, और 1946 मतलब ठीक एक साल बाद इंडियन फार्माकोपियल ड्रग लिस्ट, फर्स्ट ड्रग लिस्ट जो है वो आई, मतलब वो पब्लिश हुई। मगर ये फार्माकोपिया नहीं थी, ये ड्रग्स की लिस्ट थी जो 1946 में आई। फर्स्ट जो अभी तक 8 फार्माकोपिया, मैं कह सकता हूँ कि 8 एडिशंस जो हैं फार्माकोपिया के वो पब्लिश हो चुके हैं। तो पहली फार्माकोपिया का जो एडिशन था वो आया था 1955 में, 1955 में। उसके ठीक 11 साल बाद उसका अगला एडिशन आया जो आया 1966 में, 1966 में। उसके बाद जो थर्ड एडिशन था वो आया 1985 में, मतलब 1985 में। उसके फिर ठीक 11 साल बाद चौथा एडिशन आया 1996 में, मतलब 1996 में। उसके बाद आया फिर 11 साल बाद, मतलब 2007 में। उसके बाद 2014 में, और अब 2007, उसके बाद 2010, उसके बाद 2014 और फिर 2018। तो ये उसका टोटल एडिशंस थे। मैं फिर से बोलूँगा, पहला 1955, दूसरा 1966, तीसरा 1985, 1996, 2007, 2010, 2014 और फिर 2018। ये टोटल 8 एडिशंस जो हैं वो पब्लिश हो चुके हैं। तो बेसिकली फार्माकोपिया में ऐसा क्या होता है, देखिए फार्माकोपिया के अंदर बेसिकली जो ड्रग्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे हम एग्जांपल मान लें पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल ड्रग के बारे में उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब पैरासीटामोल का केमिकल फॉर्मूला, उसका मोलिकुलर वेट,
उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के उसमें क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, उसके अलावा अगर आप उसके किस टाइप के डोज मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और वो कितने डोज तक सेफ़ है, मतलब 100 mg, 200 mg, 500 mg वो कितना सेफ़ है, उसके अलावा अगर आप ड्रग बना लेते हो तो आप उसको कैसे टेस्ट कर सकते हो, तो उसके सारे टेस्ट प्रोसीजर्स भी बुक के अंदर प्रिफर होते हैं। मतलब आप उस बुक को पढ़कर अपने घर पे भी या कहीं पे भी दवाई को, उस ड्रग को बना सकते हो और उसको टेस्ट भी कर सकते हो। ये सारे प्रोसीजर्स जो होते हैं वो फार्माकोपिया के अंदर होते हैं। तो फार्माकोपिया जो बेसिकली होती है वो हर कंट्री की होती है। एक चीज़ और कि आप अगर इंडिया के मार्केट में देखोगे तो आपको अगर आप कोई भी टेबलेट उठाओगे तो उसके फार्मुलेशन के स्टार्टिंग में, मतलब उसमें जितने, अगर आप टेबलेट को देख, कोई टेबलेट लेते हो तो उसमें उसका पूरा फार्मुलेशन लिखा हुआ होता है, उसके अंदर कौन सी ड्रग है, पैरासीटामोल है, डाइक्लोफिनेक है, कितनी एमजी है, तो ऊपर सबसे ऊपर लिखा होता है आईपी, यूएसपी, बीपी। इसका मतलब ये होता है कि वो फार्मुलेशन जो है वो आईपी से लिया गया है, या वो फार्मुलेशन बीपी से लिया गया है, या वो फार्मुलेशन यूएसपी से लिया गया है। एक क्वेश्चन उठता है कि क्या इंडियन मार्केट में केवल आईपी की ड्रग मिलती है? ऐसा नहीं है। इंडिया के मार्केट में या किसी भी कंट्री के मार्केट में आपको आईपी भी मिल सकती है, यूएसपी भी मिल सकती है, जैपनीज फार्माकोपिया भी मिल, जेपी भी मिल सकती है, ब्रिटिश फार्माकोपिया से रिलेटेड ड्रग भी मिल सकती है। वो क्यों? क्योंकि ये जो डेवलप कंट्रीज है जैसे यूएसए है, ब्रिटेन है, जापान है, इन्होंने अपने यहाँ की ड्रग्स जो है वो बना ली। अब इन्होंने वहाँ पर उनकी जो आरएनडी थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, तो उन्होंने क्या करा कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए दूसरी कंट्रीज की भी दवाइयाँ बनाना स्टार्ट करी, मतलब जो इंडियन मार्केट में भी सक्सेसफुल हो, तो उन्होंने इंडिया के एटमोसफेयर के हिसाब से भी दवाइयाँ बनाना स्टार्ट करी। जैसे कार्डियक, हार्ट से रिलेटेड ड्रग अगर आप मार्केट में देखोगे तो सबसे ज़्यादा वो यूएसपी की मिलेंगी आपको, यूएस फार्माकोपिया की, क्योंकि यूएसए ने इंडियन एटमॉस्फेयर के हिसाब से हार्ट से रिलेटेड जितनी भी ड्रग्स हैं उनके फॉर्मुलेशन डेवलप करे और कई कंपनीज ने उन फॉर्मुलेशन को बनाना स्टार्ट किया। हो सकता है कि पहले जो कंपनीज थी वो इंडियन फार्माकोपिया की ड्रग को यूज़ कर रही थी, बट जब कोई नई कंपनी आई और उसने सोचा कि मैं इस फॉर्मुलेशन को पीछे करूं या मेरा फॉर्मुलेशन इससे अच्छा हो, तो उन्होंने क्या करा कि यूएसए का जो फॉर्मुलेशन था, जो यूएसपी के अंदर जो फॉर्मुलेशन था उसको बनाना स्टार्ट किया। इससे होता यह है कि वो यूएसपी को अगर वो प्रिफर कर रहे हैं तो वो यूएस गवर्नमेंट को कुछ पैसा भी देंगे, तो इससे क्या हो रहा है कि यूएसए के पास भी उस फॉर्मुलेशन का पैसा आ रहा है जबकि वो बिग उनका फॉर्मुलेशन इंडिया में रहा है। तो इस वजह से आपको हर मार्केट के अंदर अलग अलग ड्रग्स मिलेंगी। तो उसके अलावा एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि अगर हम देखें तो फर्स्ट सेम के अंदर फार्माकोपिया को इंट्रोड्यूस किया गया है। वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के, वो फर्स्ट ईयर से ही फार्माकोपिया में एक तरह से ढल जाएं, वो उसको पढ़ना सीख जाएं और वो समझ जाए कि फार्माकोपिया क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि फार्माकोपिया क्यों इंपॉर्टेंट है। फार्माकोपिया बेसिकली आपको हर मेडिकल स्टोर के अंदर मिलेगी, रखना जरूरी है। उसके अलावा हर इंडस्ट्री के अंदर भी आपको मैनेजर जो लेवल के पर्सन होते हैं उनको, उनके पास फार्माकोपिया अवेलेबल होती है। क्यों? क्योंकि फार्माकोपिया के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है ड्रग्स रिलेटेड। अगर कोई एडवर्स रिएक्शन हो जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो वो फार्माकोपिया को पढ़ के उस जानकारी ले सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है उस ड्रग के अंदर, कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, कोई एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, या किसी को पर्टिकुलर पर्सन को जो डोज दिया है वो, या किसी टाइप की शिकायत हो रही है उस ड्रग के खिलाफ कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो फार्माकोपिया के अंदर पढ़ के देख सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। इसलिए हर मेडिकल स्टोर के अंदर और इंडस्ट्रीज के अंदर फार्माकोपिया होती है। और सारे मेडिकल स्टोर के पर्सन, अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो जो मेडिकल स्टोर के अंदर जो पर्सन काम करते हैं वो फार्माकोपिया पढ़ के ही ड्रग आपको प्रोवाइड कराते हैं। मतलब अगर उसने बी फार्मेसी या डिप्लोमा भी नहीं करा है, वो 10वीं पास भी है, तो फार्माकोपिया पढ़ के किसी भी पेशेंट को ड्रग जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकता है, कम से कम ड्रग दे सकता है। इसलिए फार्माकोपिया वो रखते हैं और वो पढ़ते रहते हैं। एक फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट के लिए मैं फार्माकोपिया क्यों इंपॉर्टेंट है, जो हम जैसे हम बात कर रहे हैं बी फार्म के अंदर, अगर आप कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई टेस्ट परफॉर्म किया और उस टेस्ट का जो प्रोसीजर था बेसिकली वो आप किसी बुक से लेते हो जो एक पर्टिकुलर किसी ऑथर ने लिखी है, तो आपने रेफरेंसिंग में उस ऑथर का नाम दिया, जो उसका राइटर है उसका नाम दोगे आप रेफरेंसिंग में। और अगर कभी ऐसा कुछ होता है कि कोई सेकंड पर्सन वही प्रैक्टिकल परफॉर्म करता है, उसी बुक का यूज करता है और उसका टेस्ट कोई दूसरा आता है, मतलब पहले कुछ और रिजल्ट आया था और जब दूसरे ने परफॉर्म किया सेम ऑथर की बुक से तो उसका रिजल्ट कुछ और आया, तो क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है उस ऑथर पे कि यार वो राइटर गलत है या उसने कुछ ना कुछ इसके अंदर फ्रॉड किया है या बुक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो गलत है। और इसमें हो सकता है, या हो सकता है कि आपका जो वाई हो रहा है उसमें आपका जो एक्सटर्नल है वो भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने ये वाली बुक क्यों प्रिफर करी, या इसका रिजल्ट तो गलत आ रहा है या इसके अंदर गलत इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ पर आप एक तरीके से प्रॉब्लम में आ सकते हो। एक चीज़ और, कई स्टूडेंट जो होते हैं वो ऐसी बुक प्रिफर करते हैं जिसके अंदर केवल प्रोसीजर लिखा हुआ होता है और कोई इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत पतली पतली बुक यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है उनको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल पाता है।
तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है फार्माकोपिया। अगर आप अपने रेफरेंस के अंदर फार्माकोपिया का यूज़ करते हो, या आप जो भी प्रोसीजर यूज़ कर रहे हो अपने प्रैक्टिकल्स के अंदर, अगर वो फार्माकोपिया से लेते हो, या कोई भी इन्फॉर्मेशन आप फार्माकोपिया से पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, क्योंकि फार्माकोपिया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है और पूरी तरीके से इसको इवेलुएट किया जाता है, इसको वैलिडेट किया जाता है। देन कोई भी इन्फॉर्मेशन फार्माकोपिया के अंदर प्रिंट होती है। इसलिए आप कोई भी चीज़ अगर फार्माकोपिया से देख के लिख रहे हो, या कोई भी इंटरव्यू के अंदर आप फार्माकोपिया से पढ़कर इंटरव्यू भी दे रहे हो, अधिकतर इंटरव्यू में फार्माकोपिया का अगर आप बोलते हो कि मैंने सर ये इन्फॉर्मेशन जो है फार्माकोपिया में पढ़ी है, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। बट अगर आप किसी बुक का नाम देते हो, किसी ऑथर का नाम देते हो, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस वजह से फार्माकोपिया हमेशा स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। वो अगर आप कोई प्रैक्टिकल बुक की जगह अगर आप फार्माकोपिया यूज़ कर रहे हो, तो आपको प्रैक्टिकल के अलावा दूसरी इन्फॉर्मेशन भी फार्माकोपिया में पढ़ने को मिलती है, क्योंकि उसके अंदर प्रोसीजर के अलावा दूसरी इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। जिससे क्या होगा, जब आप वाइवा देने जाओगे, या किसी बाद में फ्यूचर में जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, जिससे आपको ही फायदा होगा। इसलिए फार्माकोपिया पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कई ऐसे बी फॉर्म के स्टूडेंट होते हैं जो पूरे 4 साल में फार्माकोपिया को हाथ भी नहीं लगाते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं कि फार्माकोपिया होती क्या है, या उसमें इंडेक्स से किसी भी टॉपिक को कैसे सर्च करते हैं। इसीलिए PCI ने फार्माकोपिया को फर्स्ट सेम में इंट्रोड्यूस किया है, जिस वजह से बच्चे फार्माकोपिया से फेमिलियर हों, ज़्यादा से ज़्यादा फार्माकोपिया को यूज़ करें, पढ़ें। कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं फार्माकोपिया के बारे में आपको देना चाहूँगा। मैंने आपको बता दिया, इसका जो हेडक्वार्टर है बेसिकली वो गाजियाबाद में है, और इसके लिए भी काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती रहती है। फार्माकोपिया के अंदर जो पर्सन्स काम करते हैं, तो उनके लिए भी वैकेंसीज निकलती है, और बहुत अच्छा है, इसके अंदर फ्यूचर भी है। उसके अलावा जो कुछ और भी हैं, जैसे मैं बोलना चाहूँगा आपको कि इन्फॉर्मेशन जो है IP के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ड्रग से रिलेटेड सारी जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उसके टेस्ट हैं, वो यहाँ तक कि टेस्ट के जो रिजल्ट्स आएंगे उनके ग्राफ्स भी जो होते हैं वो IP के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये फार्माकोपिया से रिलेटेड जो मैंने आपको अभी समझाया, ये पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है IP से रिलेटेड, या आपको IP का कोई टॉपिक ये उसके अंदर आपके अंदर कोई क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बोला कि हर इन्वायरमेंटल के हिसाब से अलग अलग ड्रग होती है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, कि अगर आप कोई मान लीजिए अगर आप कोई सायरप बना रहे हैं, वो सायरप जो है वो इंडिया के वेदर के हिसाब से ठीक है, हमारे यहाँ हमारा जो वेदर है उस हिसाब से तो सायरप स्टेबल होते हैं। बट वही सायरप अगर मैं मान लीजिए अगर मैं सेल करता हूँ अफ्रीका में, तो अफ्रीका में तो 50 डिग्री के हिसाब से टेम्परेचर होगा, तो जब वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर ड्रग जाएगी, तो हो सकता है कि उस टेम्परेचर की वजह से जो आपका सायरप है वो इवापोरेट हो जाए, या आपकी ड्रग डिग्रेड हो जाए। इसलिए अफ्रीका का जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर जो फार्मुलेशन यूज़ होते हैं, वहाँ पर वो सायरप की जगह ड्राई सिरप यूज़ करते हैं, मतलब वहाँ फार्मुलेशन अलग हो गया। वैसे ही अगर आप रशिया की बात करें, तो रशिया के अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वहाँ पर इतना कम टेम्परेचर है कि आपका सायरप जो होगा वो जम सकता है, इसलिए वहाँ पर प्रिजर्वेटिव सेट किए जाते हैं, जिससे आपका सायरप जमे नहीं और वो प्रॉपर कंडीशन में रहे और स्टेबल रहे। तो वेदर कंडीशन के हिसाब से भी फार्मुलेशन चेंज होते हैं, और इसी वजह से कंट्रीज जो होती हैं वो उन्होंने अपनी अपनी फार्माकोपिया डेवलप करी। उसके अलावा ये जो फार्माकोपिया हुई बेसिकली वो उन्हीं कंट्री ने डेवलप करी जो डेवलप्ड थी, या जो साइंटिफिकली डेवलप थे। बट कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनकी साइंटिफिकली वो इतने डेवलप नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो कंट्री जो उनके एटमोसफेयर के हिसाब से उनके वेदर कंडीशन होती है वो उनको प्रीफर करते हैं। जैसे इंडिया है, तो इंडिया की जो वेदर कंडीशन है वो पाकिस्तान में भी वैसी है, नेपाल ईस्ट जो ये ईस्ट एशिया जो है बेसिकली जो कह सकते हैं कि साउथ एशिया जो है बेसिकली साउथ एशियन कंट्रीज जैसे फिलीपींस, मलेशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, यहाँ पर एक जैसी वेदर कंडीशन है, इसलिए सभी कंट्रीज जो होती है वो इंडियन फार्माकोपिया को प्रीफर करती हैं। वैसे ही रशिया में भी ऐसा ही है, रशिया के आसपास जो कंट्रीज हैं वो रशिया के फार्माकोपिया को प्रीफर करती हैं। तो इस टाइप से आप जो है वो जो कंट्री अपनी फार्माकोपिया नहीं बना पाई वो दूसरी कंट्री की फार्माकोपिया को फॉलो करती हैं, वो अपनी वेदर कंडीशन के हिसाब से होती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हमारे साथ ऐसे बने रहिए। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप
कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।